तो अगले टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास इस तरह का बायोमेट्रिक डेटा है कि किस दिन किस पर्सन ने कितना बार अपना कार्ड, अपना स्कैन और थंब पंच किया। तो अभी अभी हमने आपके सामने एक अटेंडेंस बना के दिखाया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि हमने कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज किया जिससे पी और ए विजुअल है, बट मुझे एक्चुअल में पी और ए चाहिए। तो पिवट से डायरेक्ट नहीं होगा, हमने शुरुआत में बताया था कि पिवट टेबल हमें सपोर्ट करता है रिपोर्ट बनाने के लिए, तो यहां भी सपोर्ट करेगा। मैंने यहां पे नेम ले लिया, यहां पे मैंने स्कैन डेट ऊपर रख दिया और यहां हमने स्कैन डेट का काउंट यहां पर रख दिया सर जी। तो यार अगर मान लिया ग्रुप नहीं होता था तो उसको क्या कर लेते, ग्रुप कर लेते डेट वाइज, यहां पे काउंट है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इसकी पिवट को हटाना है, रिमूव करना है, क्योंकि तो आगे जो काम हम करने जा रहे हैं वो पिवट टेबल नहीं कर सकता है जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पिवट को रिमूव करेंगे। पिवट कैसे रिमूव होता है सर, पता है आपको? आप कॉपी कीजिए, इसी के ऊपर पेस्ट वैल्यू कर दीजिए, आपका पिवट टेबल इस एरिया से रिमूव हो जाएगा। हो गया रिमूव, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, इसको भी डिलीट कर देता हूं और ग्राउंड फिटिंग भी कर देता हूं। अब मेरा डेटा बन गया। अब मेरा काम यहां पर यह है कि जो पी है, जो नंबर्स है उसको पी में कन्वर्ट करना है और जो ब्लैंक्स है उसको ए में करना है। तो कैसे होगा? रिप्लेस कर देंगे सर? नहीं, रिप्लेस भी नहीं कर सकते। रिप्लेस आपको ए कर सकते हैं, रिप्लेस ए को रिप्लेस करेंगे पी से, फिर अगेन बी को, फिर अगेन सी को, यस यस, एक ए वन को ए पी करेंगे, फिर दो को पी करेंगे, फिर तीन को, तो नौ बार जितने नंबर है उतने बार करना पड़ेगा, लॉजिक यहां फिट नहीं बैठ रहा सर जी। और दूसरा बात है, मान लीजिए किसी यहाँ पे तो नंबर मैंने 10 से नीचे है, अगर 11 हुआ तो डबल पी आ जाएगा। तो क्या करें यहाँ पे? तो यहाँ पे हम मदद अपनी मदद लेंगे फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल। ठीक है, गो टू स्पेशल में मैंने यहाँ पे कंटेन को सिलेक्ट किया और कंटेन में मैंने बोला कि सिर्फ नंबर्स है, तो इस सिलेक्टेड एरिया में जितना भी नंबर होगा ना सर वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा जी। ब्लैंक जो है यहाँ सिलेक्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ जी। अब मैं यहाँ एक पे पी लिखूंगा और क्या करूंगा सर, एंटर मार देंगे, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर, एंटर। ठीक है क्या जी? तो जितना सिलेक्टेड है कन्वर्टेड टू पी। अब ब्लैंक को मुझे क्या करना है, ए करना, रिप्लेस कर देना ब्लैंक को ए से। तो ब्लैंक से रिप्लेस भी कर सकते हैं आप, रिप्लेस भी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल जी में भी ऐसा ऑप्शन, मतलब कि जो फाइनल सेलेक्ट में जहां आपने ए लिया था ना, नंबर्स लिए थे, उसी में आपके यहां ब्लैंक्स का भी ऑप्शन है। ब्लैंक को सिलेक्ट करो और यहां पे कर दो ए, कंट्रोल ए लिख दो और यहां पे कंट्रोल ए, कंट्रोल एंटर मार दो, नॉट कंट्रोल ए, कंट्रोल एंटर। हो गया, इस तरह से आप यहां पे कर सकते हैं। क्लियर है जी? जी